नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। पानीपत दे सिविल हस्पताल विच सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया गया। ट्रस्टी SP सिंह ओबराय ने कहा कि उन्होंने अपने ट्रस्ट वालों पानीपत के सिविल हस्पताल विच मरीजों की सुविधा लई यह अल्ट्रासाउंड मशीन दिती है। इत्थे मरीजों का फ्री अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। इस मशीन राही रोजाना 100 मरीजों का फ्री अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। उत्थे ही विधायक रोहित रेवड़ी ने कहा कि यह एक बड़ा ही शलांघाजोग काम है। इस दे नाल हस्पताल विच आउण वाले मरीजों के मुफ्त अल्ट्रासाउंड किए जाएंगे। इस मशीन नूं लगाउण लई सिख यूथ बहुत वड्डा योगदान दे रहा है। इस मौके पर CMO डॉक्टर जतिंदर कादरबान, डिप्टी CMO डॉक्टर नवीन सुनेजा, जस्सा सिंह संधू, दलविंदर सिंह खालसा, भाजपा नेता सुरेंद्र रेवड़ी, रजिंदर सिंह राजा, सरदार सुखदेव सिंह ते कुलदीप सिंह आदि मौजूद रहे। चैरिटेबल ट्रस्ट के तकरीबन कोई 92 हमारे ऑफिस हैं, 8 स्टेट में हमारे ऑफिस अभी चल रहे हैं, तो 1400 के करीब हमारे जो मेंबर हैं। तो पानीपत में हमारी पहले भी एक टीम थी, तो अभी जो नई टीम हमने लॉन्च किया है, आज 15 मेंबर जो है तो उनकी टीम तैयार करके तो अपना काम स्टार्ट कर देंगे। सिविल हॉस्पिटल पानीपत से एक रिक्वेस्ट आई थी, यहाँ जो अल्ट्रासाउंड की मशीन थी पहले वो खराब हो गई थी, नई अभी आई नहीं है। तो जितने भी लेडीज़ हैं तकरीबन यहाँ से बताया गया कि 40 से लेकर 50 जो है वो डिलीवरी यहाँ लेने की होती है, और उनके लिए जो अल्ट्रासाउंड है वो इतना महंगा हो चुका है, उनको बाहर से कराना पड़ता था, जो 800-900 रुपया हर लेडीज़ को जो एक अल्ट्रासाउंड का पे करना पड़ता था। तो इसीलिए फिर हमने ये सोचा कि जितने भी गरीब लोग हैं जो उनको बाहर से कराने की वजह कि हम एक अल्ट्रासाउंड मशीन जो है यहाँ ले आए, तो इसलिए आज जो अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ एक सिविल हॉस्पिटल में दी गई है। इसके अलावा हमारी बहुत स्कीमें चलती हैं, तो जैसे जैसे इनकी कोई डिमांड्स होगी अपने को रिक्वेस्ट करेंगे तो हम वो भी पूरी करेंगे। जैसे हमारे डायलिसिस यूनिट हैं हरियाणा में, हमारे कोई 18 के करीब हमारे यूनिट चल रहे हैं, और अभी तक हमने 12 यूनिट जो है हरियाणा में और लगाने हैं। पंजाब में हमारे ऑलरेडी जो है 92 यूनिट चल रहे हैं, टोटल जो हमारा पूरा इंडिया में ले तो 176 है, इसमें से सरकारी हॉस्पिटल हमारे 24-25 सरकारी हॉस्पिटल हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हो गए पंजाब के, PGI में हमने कल जो है जो स्पेशल यूनिट है जो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं वो लगाए, मुंद्रा हॉस्पिटल में ऑलरेडी चल रहे हैं, और यहाँ भी अगर इस एरिया में जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ इंटरेस्टेड है कि यहाँ डायलिसिस यूनिट लगा के जो है जो पुअर पेशेंट है उसको हम फायदा पहुँचा सकते हैं। जहाँ ये यूनिट हम लगा रहे हैं वहाँ इलाज इतना सस्ता कर दिया हमने, जैसे मार्केट में 2,000-2,500-3,000 रुपये एक टैक्सी का होता था, हम उसको नीचे लेकर अभी 250 रुपये मिले हैं। अभी चंडीगढ़ में हमारे 12-13 यूनिट लगे हुए हैं, वहाँ 250 रुपये में जड़े हैं वो टैक्सी हो रहा है, जहाँ की 25-30 का लगता था। एक हमने अभी डायलाइजर किट जो है वो हमने इस साल 50,000 किट जो हमने वो देनी है, जो ऑलरेडी 4 महीने पहले स्टार्ट कर दी गई है। कोई भी जो आदमी है जो डायलिसिस करा रहा है और खर्चा नहीं दे पा रहा, ये किट जो है 800 से लेकर 1200 रुपये की आती है, सिर्फ डॉक्टर की पर्ची लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में तो उसको वो किट जो टोटली फ्री दी जाएगी। अगर यहाँ भी हमारा ऑफिस खुल चुका है तो यहाँ भी हम जो डायलिसिस किट है वो हम दे देंगे इधर, और इस एरिया में भी कोई आदमी जो प्राइवेट या कहीं भी जो डायलिसिस करा रहा है अगर वो किट नहीं ले सकता तो इधर हमारे जो प्रेजिडेंट है उनके पास टीम के पास आकर एक रिक्वेस्ट देगा और उसी टाइम उनसे वो जो किट भेजेगा। इसके लिए कोई लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर नहीं है, किसी की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पानीपत के जो हमारे प्रेजिडेंट बने हैं तो उनके पास सारी पावर है कि जिसको किट चाहिए वो फ्री कर देते हैं।
नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत।